हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिताभ आपका आयुष्मान क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो GIC प्रवक्ता की परीक्षा, जिसका जो 2015 वाला एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम डेट था आपका 25/9/2016। इस पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें मैं ऑलरेडी 6 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ और ये हमारा 7वां लेक्चर होगा। तो अपना लेक्चर मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जैसे ही आपको पसंद आए तुरंत लाइक का एक बटन दबाइएगा, और अगर आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हों तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के हमको सूचित करिएगा। इसके साथ ही साथ जो है, मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, GIC के लिए और UP TGT PGT के लिए जो बैचेज ऑलरेडी हमारे यहाँ स्टार्ट हैं, और अगर आप भी उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8128618579, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो है व्हाट्सएप करके जो है आप कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं और उस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जिसको मैंने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 71, ये हमारा क्वेश्चन है, द लाइन P+2Q (x) + P-3Q (y) = P-Q, वेयर P इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ P एंड Q पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आए कि ये जो पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट आए, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ ये फैमिली ऑफ लाइंस है ना। फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है, L1 + λ L2 = 0। ये जो ऊपर आपको इक्वेशन दिया गया है ना, ये फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, मतलब L1 + λ L2 = 0। ठीक है, तो इस लाइन की ये क्या होता है, इस फैमिली की क्या खास बात होती है, ये L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होता है। ठीक है, ये L1 = 0 और L2 = 0 के इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइंस का ये इक्वेशन होता है, L1 + λ L2 = 0। ठीक है, तो देखिए हमको जो दिया हुआ है ना, ये हमको इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है, ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे P। P का मैं जो कॉस्ट, P के जो कोफिशियंट है उसको मैं कलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, P का कोफिशियंट पहले क्या बनेगा, X बनेगा, फिर यहाँ पे P का कोफिशियंट क्या बनेगा, Y बनेगा। ठीक है, X + Y हो गया, और ये वाला P जब लेफ्ट में आएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये P का कोफिशियंट हो गया। फिर हम लोग Q के कोफिशियंट को कलेक्ट करेंगे, Q का कोफिशियंट पहले यहाँ से क्या आएगा, 2X आएगा, 2X हो गया, और यहाँ पे Q का कोफिशियंट कितना हो गया, -3Y हो गया, और ये लेफ्ट में -Q है, जब ये राइट में आएगा तो कितना होगा, +Q होगा, तो Q आपने कॉमन ले लिया, +1 = 0। ठीक है, इसको आप जो है P को आप चाहे तो Q/P यहाँ पे दोनों, मतलब दोनों तरफ अगर हम P से डिवाइड भी कर दें तो ये कितना हो जाएगा, Q/P = 0। यहाँ से P को मैं हटा देता हूँ, देखिए किस टाइप का बन गया, ये बन गया आपका L1 + λ L2 = 0 टाइप का बन गया। ये देखिए L1 और प्लस ये तो कांस्टेंट, λ L2 = 0 के टाइप का बन गया। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों लाइन को L1 और L2 को सॉल्व कर दे तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते देते हैं। तो x + y - 1 = 0 और 2x - 3y + 1 = 0, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, पहले इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 3x + 3y - 3 = 0, और जो दूसरा इक्वेशन हमारा है, 2x - 3y + 1 = 0। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दे, +3y - 3y कट जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 5x, और इधर से मिलेगा -2, राइट में जाएगा +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5। तो फिक्स्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया 2/5। अब हम ऑप्शंस पे देख लेते हैं क्या 2/5 के साथ कितने ऑप्शन है। देखिए, ये तो नहीं है 2/5, बी वाला ऑप्शन में भी 2/5 नहीं है, सी वाले ऑप्शन में भी 2/5 नहीं है, डी वाले ऑप्शन में 2/5 है। तो वाई कोऑर्डिनेट आप चाहे निकाले या ना निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे आप निकाल कर देख लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट 3/5 आएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो डिटरमिनेंट पे बेस्ड है। कहा जा रहा है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -1 है। डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स AB की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बस एक ही चीज आपको जानना जरूरी है कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए, जहाँ पर के कोई जो है कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो किस तरीके से ये कॉन्स्टेंट बाहर आता है, K की पावर n, जो भी ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का कि उस ऑर्डर के साथ बाहर होता है, मतलब के पावर उतना हम रेज कर देते हैं, जो भी ऑर्डर है, यहाँ पर ऑर्डर कितना, 3 जैसे है। ठीक है, तो K की पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 है ना, इस 3 को अगर मैं बाहर लूंगा तो 3 के पावर कितना बाहर होगा, जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना, 3 बाहर हो जाएगा। अब बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बचेगा। अब देखिए डिटरमिनेंट, एक और प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग लगा देते, ये देखिए 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी।
अच्छा डिटर्मिनेंट आप ये कितना हमारा -1 है, तो ये कितना जाएगा 27 इंटू -1 इंटू डिटर्मिनेंट आप भी कितना है 3 है, तो कुल मिलाकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो -81 आएगा। इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉबिलिटी बेस्ड है। इन ए लीप ईयर द प्रॉबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज और 53 मंडेज इज व्हाट। लीप ईयर का मतलब क्या होता है ना, ऐसा ईयर जिसमें जो है ना, जैसे 2020 मान लीजिए, तो अगर आप 4 से भाग दीजिए, सो 4 से डिवाइड करें, पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो लीप ईयर का मतलब होता है 52 वीक्स, है ना, 52 वीक्स और प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक, इस ये लीप ईयर होता है। अब देखिए 52 वीक्स है तो 52 संडे, 52 मंडे, इतने एक साल में तो इतना तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे 53 की बात की जा रही है, तो दो ये जो 2 एक्स्ट्रा है ना, यही प्रॉबिलिटी को डिसाइड करेंगे। अब ये 2 एक्स्ट्रा डे क्या हो सकते हैं, जरा लिखते हैं हम लोग, मंडे 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 ट्यूजडे, ठीक है, मैं मंडे से स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हो सकते हैं, ये 2 एक्स्ट्रा डे जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूजडे, ठीक है, फिर ट्यूजडे वेडनेसडे, ठीक है, फिर वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है ना, थर्सडे, फिर थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे, ओके, फिर आपका क्या हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे, ठीक है, और क्या हो सकता है, सैटरडे फिर संडे, ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, संडे मंडे, संडे मंडे, ठीक है ना। तो ये जो टोटल आउटकम्स कितने आने वाले हैं, 7, आप गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए, हम मैं दो इवेंट, एक मैं कह देता हूँ संडे आना एक इवेंट ए मान लेता हूँ, और मंडे आना एक इवेंट मैं मान लेता हूँ बी। मुझे क्या निकालना है, संडे और मंडे, मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है संडे आने को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है, संडे आने को मैं क्या मान लेता हूँ, संडे आना मतलब इवेंट ए मान लेता हूँ संडे आना, और बी मान लेता हूँ मंडे आना, मुझे ए यूनियन बी निकालना, पी ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो पी ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा पी ए क्या है, संडे आने की प्रॉबिलिटी, देखिए संडे जो है कहाँ कहाँ कौन कौन से फेवरेबल हैं संडे आने के लिए, संडे आने के लिए दो फेवरेबल आउटकम्स हैं, एक तो देखिए कौन सा फेवरेबल आउटकम्स है, एक है संडे यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे संडे आ रहा है, दो फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो संडे आने की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/7। इसी तरीके से मंडे जो है दो जगह पे आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मंडे आ रहा है और मंडे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मंडे, ठीक है ना। तो फेवरेबल कितना हो गया 2, टोटल कितना हो गया 7, प्रॉबिलिटी कितनी हो गई, 2/7। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब संडे और मंडे दोनों, संडे और मंडे का एक ही केस है लास्ट वाला, देखिए संडे और मंडे, तो फेवरेबल 1, टोटल कितना हो गया 7, तो प्रॉबिलिटी कितनी होगी, 1/7। सॉल्व कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 3/7। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन लग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम पे है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, द लग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, यही होता है ना लग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। आप अगर नहीं देखे हो तो इसको जो है एनसीईआरटी की जो क्लास 12th की टेक्स्ट बुक है वहां पे आप देख सकते हैं इसको, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए। कहा जा रहा है कि अगर एफ एक्स इतना है, ए इतना है, बी इतना है, तो सी की वैल्यू बताइए। अब देखिए सी की वैल्यू बताने के लिए पहले मुझे राइट वाली जो चीज़ है ना उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ बी। अच्छा एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x-1, ठीक है। तो मुझे एफ ऑफ बी, बी कितना है, बी हमारा है 13/7, मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पर मुझे क्या रखना है, 13/7 रखना है, तो 13/7 का होल स्क्वायर और -3 × 13/7 और क्या लिखना है, मुझे -1 लिखना है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा आएगा यह आ जाएगा 303, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 303/49, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं, मतलब जो फंक्शन है ना इसमें एक्स जहाँ पे ए पुट कर देते हैं, -11/7 कितना आ जाएगा, -11/7 का होल स्क्वायर इंटू -3 इंटू -11/7 और -1। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू जो आपका एफ ए आएगा वो कितना आ जाएगा, 303, ठीक है ना। एफ ए हमारा, एफ बी हमारा कितना आ गया था, एफ बी हमारा आ गया था, सॉरी मैंने एफ बी थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, एफ बी जो हमारा आने वाला है ना, यह भी हमारा आएगा -153, -153/49, और जो हमारा एफ ऑफ ए आएगा वो कितना आ जाएगा, 303/49, ठीक है ना। और अगर हम लोग बी माइनस ए की बात कर लें तो बी माइनस ए जो हमारा आने वाला है, बी माइनस ए वो आ जाएगा 24/7, ठीक है ना।
तो जो RHS हमारा है ना, वो कैलकुलेट करेंगे जब आप RHS इज इक्वल टू या B माइनस FA अपॉन B माइनस A, वो आ जाएगा -19/7, -19/7। अब इसका मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू हो गया -19/7। अच्छा एफ डैश सी का मतलब क्या है, पहले एफ एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स कितना मिलेगा 2x-3, तो एफ डैश सी का मतलब कितना होगा 2c-3, तो 2c-3 इज इक्वल टू -19/7। यहाँ से आपको सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अगर हम लोग 2c की बात करें तो कितना हो जाएगा 3-19/7, तो कितना आ जाएगा 21-19, ठीक है ना, 2/7 आ जाएगा। 2 2 कैंसिल कर दीजिए तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/7 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये था। 1/7 के साथ हमारा जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75, कह रहा था मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट का मतलब होता है बल आघूर्ण, ठीक है ना। तो कहा जा रहा मूवमेंट ऑफ ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई 3i+k, ठीक है। फोर्स हमारा कितना है, 3i+k है। मान लीजिए ये मैं फोर्स लिखता हूँ, तो फोर्स हमारा कितना है, 3i+k है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, ये फोर्स जो है किस पॉइंट पर लग रहा है, इस पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसका नाम ए दे दे रहा हूँ, तो ए पॉइंट का पोजिशन वैक्टर कितना है, 2-1, 3 है। और इसका फोर्स बल आघूर्ण निकालना आपको अबाउट द पॉइंट, अबाउट अबाउट द पॉइंट, कौन से पॉइंट के अलॉन्ग निकालना है, आपको निकालना पॉइंट 1, 2, -1 के अलॉन्ग निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए मोमेंट ऑफ द फोर्स जो होता है ना, जिसको लोग टाउ से लिखते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है, आर क्रॉस एफ। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको आर निकालने की जरूरत है। ये जो कि हमारा जो आर आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं, तो आर हमारा जो आता है वो आता है ए बी आता है, ठीक है ना। आर जो हम लोग, आर हमारा जो निकालने वाले हम लोग आर, तो वो हमारा आर कितना आने वाला, आर इज इक्वल टू सॉरी बी ए, आर इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए होगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू जो हम लोग निकालने वाले हैं, ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बी ए लिखने वाले हैं, ठीक है। बी ए का मतलब क्या हो गया, ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है ना। तो ए में से बी को माइनस करिए तो 2-1, तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर -1 और -2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 -2। अगर हम लोग बात करें, एक मिनट में जरा चेक कर लूँ, ठीक है। तो हमारा देखिए 2-1 कितना हो गया, 1 हो गया। ए में से बी को माइनस करना, 2-1, 1, -1 -2 कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। और थ्री ऑफ माइनस ऑफ -1 मतलब 4 हो जाएगा, 3+1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा आर वेक्टर आ गया। अब आर क्रॉस एफ निकालना है तो आप किससे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से ही तो निकालेंगे ना। फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे आप, आई जे के लिखेंगे, और यहाँ पर सेकेंड रो में आर के वैक्टर्स, आर के कंपोनेंट्स कितने, 1-3 और 4 हैं। और थर्ड रो में आप एफ का कंपोनेंट लिखेंगे, एफ का कंपोनेंट कितना है, आई का कंपोनेंट 3 हो गया। देखिए ये एफ है, तो आई का कंपोनेंट कितना हो गया, 3 हो गया। जे का कंपोनेंट 0 हो गया, के का कंपोनेंट 1 हो गया। जब आप इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा -3i कैप और +11j कैप और फिर कितना आ जाएगा, +9k कैप, ठीक है। तो इसके साथ जो हमारा डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग प्रतिलोम व्युत्क्रम फलन बोलते हैं, वहां से लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ टेन ऑफ 1/2 cos inverse √5/3 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, तो यहाँ पे जो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दिया रहता है, cos inverse √5/3 को हम थीटा मान लेंगे। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टेन ऑफ 1/2 थीटा, मतलब टेन थीटा बाई टू निकालना मुझे। टेन थीटा बाई टू का फार्मूला होता है 1-cos θ / 1+cos θ, ये याद रखिएगा, 1-cos θ / 1+cos θ, ये टेन थीटा बाई टू का फार्मूला होता है। अच्छा किसको आपने थीटा बोला है, आपने cos inverse √5/3 को क्या बोला है, थीटा बोला है। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, cos थीटा की वैल्यू आपके पास है √5/3 है। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1-√5/3 और नीचे हो जाएगा 1+√5/3, ठीक है ना। तो अंडर रूट में आपके पास कितना आने वाला है, अंडर रूट में आएगा 3-√5 और फिर कितना आ जाएगा, 3+√5। तो ऊपर नीचे आप 3-√5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बाहर कितना आ जाएगा, 3-√5 और भीतर कितना बच जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1/2 3-√5, इसका मतलब जो बी ऑप्शन हमारा वो कितना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि x+y = k नॉर्मल है पैराबोला y² = 12x के लिए, तो k की वैल्यू बतानी है आपको। तो y² = 12x को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए टू दोनों तरफ, तो 2y dx(y) = 12 आएगा। तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6y आ जाएगी। तो ये dy/dx किसका स्लोप आता है, टेंजेंट का स्लोप आता है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा,
नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/6, ठीक है, ये नॉर्मल का स्लोप हो गया। और नॉर्मल लाइन तो आपको दी हुई है, कौन सी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के, ये नॉर्मल लाइन है बताया गया है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप आप नॉर्मल -a/b होता है ना, -x का कोफिशियंट डिवाइडेड बाई वाई का कोफिशियंट, मतलब -1 हो गया। इस लाइन का स्लोप तो आप निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन का स्लोप कितना -1 है। तो देखो दोनों जगह कंपेयर करते हैं नॉर्मल का स्लोप, तो -y/6 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब वाई इज इक्वल टू 6 अगर आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू 12x। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 6 आ गया, इसको आप x प्लस वाई इज इक्वल टू के में पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 9 आ गई, यही आपसे पूछा गया था। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से संबंधित है, पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ 0 to 100 पाई अंडर रूट 1 - cos 2x इज इक्वल टू वाट। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 to 100 पाई अंडर रूट 1 - cos x को क्या लिखेंगे आप, √2 mod of sin x, ठीक है ना। ये कैसे आया ये आप समझ रहे होंगे, cos 2x को आप ओपन करेंगे ना, cos 2x को आप क्या लिखेंगे, 1 - 2 sin² x, 1 - 2 sin² x, तो 1 1 कट जाएगा, 2 sin² x रहेगा, तो 2 तो √2 हो गया, sin² x बाहर आएगा तो mod sin x बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, 0 to nt, 0 to nt f(x dx) इज इक्वल टू, ठीक है, एन टाइम्स 0 to t f(x dx), ये प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर t क्या है उसका, उसका जो है टाइम पीरियड है, ठीक है ना, f(x) का जो है जो पीरियड है वो कितना है, t है, और n उसके आगे कोई इंटीजर लगा हुआ है, तो n को आप बाहर कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ पे जो फंक्शन हमारा है √2 तो बाहर हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, √2 बाहर हो गया। अभी जो मॉड साइन एक्स है ना, इसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है, ठीक है ना, तो ये टी का काम करेगा, तो इसका मतलब एन कौन है 100, तो 100 को आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा 0 to π mod of sin x dx, mod of sin x dx, ठीक है। 0 to π में तो साइन एक्स पॉजिटिव ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर ग्राफ इसका देखना चाहे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा 0 to π में, ठीक है, 0 to π में। और 0 to π में अगर हम लोग बात करें तो ये एरिया 1 यूनिट, ये एरिया 1 यूनिट होता है, मतलब टोटल एरिया कितना होता है, 2 यूनिट होता है। 0 to π में मॉड ऑफ साइन एक्स का एरिया कितना होता है, 2 यूनिट आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा √2 × 100 × 2, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 200√2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकट मेथड से करेंगे, प्लेन से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। कहा जा रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 3, 4 विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन, दिस इज व्हाट, ठीक है। एक प्लेन दिया गया है, एक ये प्लेन है, ठीक है, और इधर एक पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना 1, 3, 4, और इसका इमेज पूछा जा रहा है। देखिए इमेज निकालने में 1-2 मिनट आपको लग सकता है, तो इसको मैं तीन मेथड से इसको कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए इसका इमेज जो भी है, इसका इमेज जो भी है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका डिटेल मेथड से मैं तीन मेथड से हम लोग कर सकते हैं, फिलहाल मैं एक जो सबसे आसान है जिसको शॉर्टकट मेथड बोल रहे हैं उस मेथड से मैं आपको करके बता देता हूँ जिससे सबसे कम समय में लगेगा, शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड देखिए ये होगा, अगर ये प्लेन है, ठीक है, तो इसका नॉर्मल किधर की तरफ होगा, इसका नॉर्मल इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल और ए बी जो वेक्टर है ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, नॉर्मल और ए बी वेक्टर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अब यहाँ पे बी पे आप ऑप्शंस को रख के देखिए, ठीक है ना, नॉर्मल का जो डायरेक्शन कोसाइन, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो आप समझ ही रहे होंगे, देखिए 2, -1 और 1, ये से क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके, नॉर्मल के, 2, -1 और 1। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस से यहाँ पे इमेज को रखिए और डायरेक्शन रेशियो निकाले किसका, ए बी का, जो भी डायरेक्शन रेशियो 2, -1, 1 देगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे मैं फर्स्ट को रखता हूँ, फर्स्ट में अगर रखूँ 3, 5, 2, चलिए ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना। ए बी का डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा, डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, मतलब 3 - 1 कितना आ गया, 2 आ गया, 5 - 3 कितना आ गया, 2 आ गया, 2 - 4 कितना आ गया, -2 आ गया। अगर 2 से डिवाइड भी कर दें तो 1, 1, -1, लेकिन हमें चाहिए 2 - 1, 1, ये ऑप्शन इसका मतलब इनकरेक्ट हो गया। चलिए मैं डी ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ, ठीक है, डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है 1, 3, 4 और यहाँ पे मैं रख देता हूँ -3, 5, 2, ठीक है ना। चलिए तो x2 - x1 -3 मतलब 4 हो गया, फिर 3 - 5 कितना हो गया, -2 हो गया, और 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको तो 2 - 1, 1 आ गया, 2 - 1, 1, ये हमको चाहिए था 2 - 1, 1, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। इससे आप जब बहुत जल्दी से क्विकली इसका आंसर निकाल सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। पूछा जा रहा द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटनरी, तो कॉमन कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, कॉमन कैटनरी का, y इज इक्वल टू c cos ऑफ हाइपरबोलिक x / c,
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपने इंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।